हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के पार्ट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए थे विद एग्जांपल्स। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात करेंगे। 6 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। सिंगुलैरिटी हम लोगों ने सबसे पहले सीख लिया था कि ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। अब वो सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, ये बात थी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि वो सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड कब होगा, जब उसके नेबरहुड में और कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा जो कि सिंगुलर पॉइंट हो, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गया, अकेला हो गया। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट किसको बोलेंगे? अगर उसके नेबरहुड में, मतलब ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसके नेबरहुड में और भी सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे अ सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो, मतलब सिंगुलैरिटी तो है ही, अब कौन से टाइप की है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अ सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो ऑफ एफ इज नॉन आइसोलेटेड इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड जीरो कंटेन्स एटलीस्ट वन सिंगुलैरिटी ऑफ एफ अदर देन जेड जीरो। जेड जीरो के अलावा उसके नेबरहुड में और भी सिंगुलैरिटी अगर हमें मिल रही है तो फिर जेड जीरो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। नॉन आइसोलेटेड मतलब अलग नहीं है दूसरों से, उसके एकदम पास भी दूसरी सिंगुलैरिटी है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट, ये तो बात हुई कि कैसे पहचाने कि कोई सिंगुलैरिटी हमें दे रखी है तो वो नॉन आइसोलेटेड है कि आइसोलेटेड है ना, वो तो ये बात हो गई कि उसके नेबरहुड में चेक करो। अब निकालें कैसे वैल्यू उसकी, क्वेश्चंस अगर सामने है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। पोल्स के जो लिमिट पॉइंट होते हैं ना वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स ही होते हैं, हमेशा हमेशा ही होगा, ये फिक्स है। हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी में कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज ऑलवेज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, और ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोल दो या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी बोल दो, इसेंशियल ही होती है नॉन आइसोलेटेड हमेशा, ये एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आपको और बेटर समझ में आएगा कि निकालना कैसे है क्वेश्चन में इसको देख करके। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल हम लोग लेने वाले हैं, तो लिमिट पॉइंट अगर इसका लेने वाले हैं पोल का, तो इसका मतलब उसमें पोल बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट पोल्स मिलेंगे, तभी उसका लिमिट पॉइंट मिल पाएगा हमें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पोल हमें हर सिचुएशन में इनफाइनाइट मिलेंगे, ये एक सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है। और जब वो इनफाइनाइट मिलेंगे तो पोल्स की एक पूरी सीक्वेंस मिलेगी हमारे को। पिछले वाले में जब हमने किया था तो जीरोस की सीक्वेंस मिली थी पूरी की पूरी, उसमें एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लगाया था तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस मिल गया था, वो किसमें था? इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में। अभी यहां पर लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे पोल्स के, मतलब पोल्स की आपको पूरी एक सीक्वेंस मिलेगी और उसमें एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लगाने पर लिमिट पॉइंट मिल जाएगा और वही हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल। पहले तो मैं आपको इसको बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से, कि इसको देख करके कैसे पता चले कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट हमें नहीं पता तो हम कैसे पता करें कि इसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है और किस पॉइंट पर है। उसके बाद फिर मैं बाकी के तो सब इससे कर दूंगा डायरेक्ट ही कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये कब कब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वाले फंक्शन में? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जब ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। न्यूमिनेटर की तो टेंशन है नहीं, डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो बन रहा है वहां नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो सिंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट वाले में मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फर्स्ट वाले को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिलेंगे, देखो कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। साइन पाई अपॉन जेड, जहां जहां जीरो होगा वो सभी सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब कहां कहां जीरो होता है? साइन हर एन पाई पर जीरो होता है, तो पाई अपॉन जेड इज इक्वल टू एन पाई लोगे आप, हर पाई पर जीरो होता है। रेसिप्रोकल कर दो, पहले तो पाई हटा लो यहां से, पाई हटाओगे तो ये बनेगा वन अपॉन जेड इज इक्वल टू एन। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो जेड आ रहा है वन बाई एन के बराबर, जहां पर एन कहां से लेना है, एन आप लोगे जेड नॉट से,
मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स आएंगे सारे के सारे, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि 1 बाई जीरो तो फिर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1 बाई एन से हमें z की वैल्यूज मिली प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, और ये इनफाइनाइट वैल्यूज मिल गई हमें, ठीक है। अब यहां पर ये इनफाइनाइट वैल्यूज हमें मिल रही हैं, उसके अलावा एक और सिंगुलैरिटी है यहां पर, आप यहां पर देखोगे तो अगर z की वैल्यू जीरो हो जाए तो भी ये नॉट डिफाइंड ही है, साइन पाई अपॉन जीरो इनफाइनाइट ही होता है, मतलब साइन इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड ही है देखा जाए तो साइन पाई अपॉन जीरो के कारण एक सिंगुलैरिटी और यहां पर ऐड होगी z इज इक्वल टू जीरो वाली। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, ये इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज आ गई। तो पहली बात तो ये कि इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज आ रही है, दूसरी बात ये पोल्स हैं सारे के सारे, पोल्स क्यों हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल किया है। तीन तरह की हमने सिंगुलैरिटी सीखी थी अभी तक, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल वाली आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल तो ये दिख नहीं रही है, पोल ये है, इसेंशियल क्यों नहीं है, इसेंशियल हम निकालते हैं जीरोस के लिमिट पॉइंट से, इसका जीरो ही नहीं मिल रहा कोई, न्यूमरेटर जीरो ही नहीं हो रहा तो जीरो मिलेगा नहीं, तो ये पोल है एक्चुअल में, ये सभी पोल हैं। तो पोल की सीरीज यहां पर मिल रही है जेड इज इक्वल टू 1 बाई एन, तो इस सीरीज का बस अब आप लिमिट पॉइंट ले लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्यों हो जाएगा उसका लॉजिक मैं अभी बताऊंगा, बाकी एक बार लिमिट पॉइंट तो ले लें हम लोग। लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 बाई एन, वो आएगा 1 बाई इनफाइनाइट मतलब जीरो, तो जेड इज इक्वल टू जीरो यहां पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। ये तो कैलकुलेट किया हमने, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये z इज इक्वल टू जीरो कैसे सिंगुलर पॉइंट हो रहा है इसमें, है ना, लॉजिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। z इज इक्वल टू 1 बाई एन है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप n की वैल्यूज पॉजिटिव ही एक बार रख के देखते हैं, पॉजिटिव अगर रखूं मैं तो 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, ये सभी के सभी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, सभी के सभी सिंगुलर पॉइंट्स हैं, लेकिन एंड पॉइंट क्या रहेगा इसका, एंड n की वैल्यू हद से हद हम बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट रख सकते हैं, हालांकि वो रख नहीं सकते लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है। z नॉट की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप रख सकोगे तो इनफाइनाइट, टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट रख सकोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट के आसपास आएगा, मतलब ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा लास्ट पॉइंट इसका, एंड यहां पर है तो ये बाउंडेड है पहली बात तो, ठीक है। अगर एंड पॉइंट इसका जीरो है तो आप ध्यान से देखो ये इस तरह से चल रहा है, ये अगर हमारी एक्सिस है तो 1 पॉइंट यहां पर है, 0 पॉइंट यहां पर है, अब 1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट 1 बाई 2 है, उसके बाद 1 बाई 3 है, उसके बाद 1 बाई 4 है, फिर गैदरिंग एकदम पास होती जाएगी और एंड तक आते आते 0 के एकदम पास के पॉइंट्स में मिलने लग जाएंगे। आप ये कह ही नहीं पाओगे कि 0 से जस्ट पहले वाला पॉइंट कौन सा है, आपको हमेशा यही लगेगा कि इसके नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट जरूर आ रहा है, आप ये कह ही नहीं सकते कि इसका इतना नेबरहुड छूट गया। आप अगर ये बोलोगे कि भाई ये वाला पॉइंट है जो इससे थोड़ा सा दूर मिल रहा है, कौन सा है, ये है ये वाला पॉइंट, और जीरो लगा दो 10-15, तो उसके जस्ट और अंदर वाला पॉइंट भी आप बता सकते हो ना, अगर यही बता रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो लगाइए, तो 6 जीरो लगा करके 1 लगा दो, ये और उससे पहले आ जाएगा, इसके बाद यही पॉइंट आएगा ना, तो बाद वाले पॉइंट तो आते चले जाएंगे, आप कह नहीं सकते इनफाइनाइट की जस्ट पहले वाला कौन सा आ रहा है। इसका मतलब जीरो के हर नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और कोई ना कोई नहीं बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे एक्चुअल में। तो जीरो के नेबरहुड में ढेरों पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और इसलिए जीरो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, क्योंकि जीरो से बाकी के सिंगुलर पॉइंट्स हम अलग नहीं कर सकते, बाकी जितने भी और दूसरे सिंगुलर पॉइंट्स हैं जीरो के अलावा वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं जरूर। आप कोई भी एक वैल्यू उठा लोगे तो उसके आजू बाजू की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, इसका मतलब जैसे कोई भी एक वैल्यू ये उठा ली आपने तो इसके आजू बाजू की वैल्यूज मिल जाएंगी, इसके पीछे कौन सी वैल्यू आएगी 9999999 और आगे ये आएगी, तो गैप आ गया इससे बाकियों का। तो बाकी के जितने भी हैं ये सभी पोल्स हैं, ये सभी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, केवल एक यहां पर है z इज इक्वल टू जीरो जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ये बात ध्यान देने वाली है यहां पर। और निकालने का तरीका एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ लिमिट पॉइंट लेना है, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अगले एग्जांपल्स लेता हूँ, काफी खास एग्जांपल्स हैं सभी के सभी, और ये दो तो ऐसे एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग के जो हर बुक में मिल जाएंगे, बाकी फिर भी शायद आपको ना मिले, ये तो हर बुक में मिलेंगे आपको और समझने के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, सेकंड वाले से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो
देखिए सेकंड वाला है log z, तो अगर आपके पास log z है और हम कोई एक कोई भी एक ब्रांच ले रहे हैं, जैसे माइनस पाई से पाई की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अगर आप फिक्स कर दो z का 2 पाई रेंज लेकर के, या तो माइनस पाई से पाई कर दिया, जैसे 0 से 2 पाई कर दिया माइनस पाई से पाई कर दिया, या फिर पाई से 3 पाई कर दिया, इस तरह का कोई भी 2 पाई रेंज का एक आर्ग्यूमेंट अगर हम जेड का फिक्स कर दें और उसको एनालाइज करोगे, तो आप ये देखोगे कि लॉग जेड कहां कहां नॉट डिफाइंड है। देखो जरा, लॉग जेड सब जगह डिफाइंड होगा, सिर्फ एक केस में नॉट डिफाइंड होगा, अगर रियल एक्सिस में, ये जो रियल एक्सिस है उसकी अगर नेगेटिव एक्सिस हम ले लें, नेगेटिव रियल एक्सिस के सभी पॉइंट्स पर ये नॉट डिफाइंड होता है, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, जीरो पर भी। आप रख के देख लो, लॉग जीरो, लॉग माइनस वन, लॉग माइनस टू, कभी इनको डिफाइन किया है अपने? कभी नहीं किया। तो जितने भी ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, ये सभी के सभी इसके लिए सिंगुलर पॉइंट्स हैं। कौन से? ये पॉइंट्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन में y तो पूरा जीरो ही है और x लेस देन इक्वल टू जीरो है। इस तरह के जो भी पेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी इसके लिए नॉन आइसोलेटेड, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट्स बनेंगे। अब इसमें से नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किसको बोलेंगे? वैसे तो देखो तो सारे इस तरफ के नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट उठा लोगे उसके नेबरहुड में, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस सीरीज बन गई एक तरीके से, ये कंटिन्यूअस पूरी लाइन है, डिस्क्रीट नहीं है। पिछले वाले में तो टुकड़ों में था, वन वन के बाद वन बाई टू ही आएगा, फिर वन बाई टू के बाद वन बाई थ्री आएगा, बीच के पॉइंट्स नहीं ले रहे थे। यहां बीच के भी सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे जीरो ही ले लिया मान लो, जीरो के नेबरहुड में अगर आप चेक करोगे तो ये इस तरफ इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि इसके नेबरहुड में हैं और सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो जीरो के अलावा भी नेबरहुड में उसके सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब z इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी सिंगुलरिटी होगी नॉन आइसोलेटेड वाली। बाकी वैसे आप देखोगे तो इस तरफ के ढेरों पॉइंट्स हैं जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स ही हैं, लेकिन स्पेशली ये z इज इक्वल टू जीरो की यहां मैं बात कर रहा हूं, तो वो एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। क्लियर है? इस तरह से चेक करना है। अगला वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर, तो 1/sin z - cos z, आप इसके पोल्स निकाल लो। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। यहां प्रॉब्लम, अब मैं थोड़ा सा फास्ट ही कर रहा हूं, बाकी के सब एग्जांपल्स को आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, आगे और समझ में आ जाएगा कि अप्रोच कैसे करनी है एग्जाम में। ये डिनोमिनेटर को जीरो किया, साइन जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, डिवाइड ले लो कॉस का इधर, टेन जेड इज इक्वल टू वन हो गया। टेन जेड वन कब कब होता है भाई? ये होता है एन पाई प्लस पाई बाई फोर पर। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट ही हैं। एन पाई प्लस पाई बाई फोर, एन बदलते जाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने लिखते जाओ, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो सभी पोल्स हैं, उनमें से नॉन आइसोलेटेड कौन सा है वो हमें चेक करना है। तो ये पोल्स आ गए, इसके लिमिट पॉइंट ले लो बस। लिमिट पॉइंट लोगे तो लिमिट पॉइंट लेने का तरीका होता है लिमिट जेड टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, वो जो भी है यहां पर लिखो, एन पाई प्लस पाई बाई फोर। अगर आपने n की वैल्यू इनफाइनाइट रखी, यहाँ जेड नहीं सॉरी n आएगा, n की वैल्यू अगर आपने इनफाइनाइट रखी तो इनफाइनाइट ही आंसर आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसके लिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। z इज इक्वल टू इनफाइनाइट भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है उसका। एक्सटेंडेड सी प्लेन पर z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है tan 1/z - 1, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मैं मिटाता हूँ। तो अगर इसकी बात करें tan 1/z - 1 की, तो आप इसको लिखोगे sin 1/z - 1 डिवाइडेड बाय cos 1/z - 1, ठीक है। अब जो डिवाइड में है उसको जीरो कर लो, वहीं से पोल्स मिलेंगे। तो cos 1/z - 1 इज इक्वल टू जीरो करोगे तो ये मिलेगा, cos कब जीरो होता है? cos जीरो होता है 2n + 1 π/2 पर, 2n + 1 π/2 पे cos जीरो हो जाएगा। तो 1/z - 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो z माइनस वन कितना आ गया, अगर इसको रेसिप्रोकल कर लें, क्योंकि हमें z चाहिए और फिर हम उसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे,
वो हमारे लिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी। तो यहां पर फिलहाल z माइनस वन आएगा 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में पाई, इस 1 को भी उधर ले जाओ तो z फाइनली बन गया 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई प्लस 1, ये हमारा z हो गया। ठीक है, n की ढेरों वैल्यूज इन्फिनिट वैल्यूज यहां रखेंगे तो z भी इन्फिनिट मिलेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी अगर मिल रही है ना, इसका ये मतलब है कि उस फंक्शन में इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कभी नहीं मिल सकती जब तक इनफाइनाइट पॉइंट्स ना हो उस फंक्शन में। ठीक है, तो यहां पर इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनमें से अब हम छांट लेंगे कि भाई आइसोलेटेड कौन सा है और नॉन आइसोलेटेड कौन सा है। तो लिमिट पॉइंट इसका निकाल रहे हैं वो तो नॉन आइसोलेटेड आएगा, बाकी सब आइसोलेटेड है। तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा इसका, देखो लिमिट पॉइंट इसका आने वाला है, लिमिट निकालो इसकी, लिमिट 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई प्लस 1, जहां पर n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिट आप करने वाले हो, इनफिनिट रखोगे n की जगह तो 2 अपॉन इनफिनिट प्लस 1 जीरो प्लस 1, मतलब ये z इज इक्वल टू 1। सिंपल, आपको सिंपल लिमिट पॉइंट निकालना होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट cot pi z सेम पैटर्न से, अगर हम देखें cot pi z अपॉन z माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये z माइनस 2 का स्क्वायर है तो z बराबर 2, तो यहां पर पोल मिल गए, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, z माइनस 2 स्क्वायर है ना, क्योंकि तो ये तो सिंगुलरिटी है लेकिन पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, हमें तो फिलहाल नॉन आइसोलेटेड की बात करनी है। तो cot को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, ये है cos pi z अपॉन sin pi z, इससे आगे का केस सॉल्व होगा, ये z माइनस 2 का स्क्वायर चलता रहेगा, इससे सिर्फ पोल मिल रहे हैं तो ये अपने काम का नहीं है फिलहाल, फिलहाल हमारे काम का है साइन पाई जेड, क्योंकि इससे इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके कारण फिर हमें आगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगी। अब साइन पाई जेड को अगर आप जीरो कर देते हो तो साइन कब जीरो होता है, ये होता है एन पाई पर, तो जेड हमारा आ गया एन, सिंपल एन भाई, ये तो इनफाइनाइट पोल्स आ गए, ढेरों पोल्स हैं, इनफाइनाइट पोल्स हैं, सीक्वेंस मिल रही है तो फिर लिमिट पॉइंट ले लो। जब आपके पास इनफाइनाइट पोल्स आ रहे हैं तो समझ जाओ कि ये बना सकते हो अब आप लिमिट लेकर के उसकी। ठीक है, तो लिमिट ली हमने n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, n पर इनफाइनाइट ही आने वाली है, आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट ही हमारी सिंगुलरिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट भी आ रहा है। तो नेक्स्ट इधर कर देता हूं मैं, कोसेक 1 अपॉन z माइनस a, सिक्स्थ वाला कोसेक 1 अपॉन z माइनस a का अगर आप कर रहे हो तो 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लो, वरना तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ऐसे आप आराम से डिवाइड वाले को जीरो के इक्वल करोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो साइन 1 अपॉन z माइनस a को अगर आप जीरो करते हो तो वो कब जीरो होगा, डिनोमिनेटर को जीरो करोगे सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, नीचे जीरो बन रहा है, नॉट डिफाइंड होएगा, कब होगा, हर n पाई पर, मतलब n पाई पर, हर पाई पर, तो n पाई यहां पर लिखोगे, रेसिप्रोकल कर लो तो z माइनस a आ गया 1 अपॉन n पाई, तो z आ गया आपका a प्लस 1 अपॉन n पाई। अब आप इसका लिमिट पॉइंट ले लो, सिंपल, तो लिमिट लोगे अगर लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट a प्लस 1 अपॉन n पाई, ये आएगा a प्लस 1 बाय इनफाइनाइट a प्लस 0, दैट मींस a, तो z इज इक्वल टू a, इसका सिंगुलर पॉइंट आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, व्हाट्सएप पे मैं बहुत बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा अभी टाइम की शॉर्टेज ही चल रही है, लेकिन आप कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। आगे आने वाले वीडियो में मैं रेजिड्यू और कॉची रेजिड्यू थ्योरम डिस्कस करने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, थैंक यू सो मच।